तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, ये ब्लॉग हम बहुत दिन बाद अपलोड कर रहे हैं। करीबन एक महीना हो गया होगा मेरा लास्ट ब्लॉग का। ये अभी ये जो ब्लॉग हम बना रहे हैं, एक महीना पहले हम एक ब्लॉग अपलोड किए थे। तो गाइस, ब्लॉग ना आने का भी एक रीज़न था मेरा, ना ये कैमरा जो था Insta360 ये ख़राब हो गया था। मतलब हम पानी में इसको घुसा दिए थे तो वाटर डैमेज हो गया था, उसके चक्कर में कैमरा ख़राब हो गया था। तो जहाँ से हम Insta360 बाई किए थे अपना, वहाँ शॉप गए हम, वहाँ कोलकाता गए थे, वहाँ दे के आए। बाद में फिर उन लोग हमको कैमरा यही 5-6 दिन पहले ही वापस किया है। तो अभी जाके हम ब्लॉग कर पा रहे हैं। तो गाइस, अब कैमरा तो मेरे पास फिर से वापस आ गया था। ब्लॉग आप लोग के लिए डेली पोस्ट करें, कोशिश करेंगे कि डेली ब्लॉग कर रहे हैं। दो तीन दिन बाद एक ब्लॉग लाने का कोशिश करेंगे हम। तो गाइस, अरे यहाँ फुटबॉल मैच हो रहा था, शायद से ख़त्म हो गया। मतलब अभी तो बस हम और कटी हैं, देखते हैं शाम तक में और कोई आ जाए, एक दो राइडर। तो गाइस, हमको पता नहीं है कि इसमें विंड नॉइज अभी कैसे आ रहा कैसे नहीं। हम थोड़ा मोड़ा हैक ट्राई करने का कोशिश किया हमने Insta360 में विंड नॉइज कम करने के लिए, देखते हैं। वो तो अभी तो पता नहीं चलेगा, जब वीडियो हम निकालेंगे तभी पता चलेगा कि लाइक काम कर रहा है कि नहीं। अरे भाई, ट्रक वाला किधर से आ रहा है, ये तो धूल उड़ाते हुए। ए भैया, आराम से, धीरे धीरे धुल्ला उड़ाते, पूरा धुल्ला उड़ा दिया भाई, पूरा धुल्ला। ये ट्रक वाला थोड़ा स्लो किया, धुल्ला निकला। ये हाईवे भी कहीं कहीं पर ही बस बचा हुआ है, यहाँ ही लव जो पहाड़ कट रहा है और बस पुल उल बचा हुआ है। पुल उल कंप्लीट होने के बाद ये हाईवे भी तुरंत ही कंप्लीट कर देगा। देखिए, इधर रास्ता से इधर कर चुका है, बस वही पुल उल जो जहाँ जहाँ नहीं बना है, जहाँ जहाँ पुल सब है वहीं पर थोड़ा मोड़ा। तो ये बढ़िया रोड है, थोड़ा खदेड़ते हैं। बढ़िया रोड मिले और गाड़ी खदेड़े ना, ऐसे कैसे हो सकता है। जगह तो पहुंच गए, अभी तक तो यहाँ कोई आया नहीं है, बस हम और कटी हैं। चलिए, अभी के लिए उस साइड चलते हैं, अच्छा से ब्लॉक करेंगे। प्लेन कर दिया है भाई, इधर भी मस्त टाइप से प्लेन कर दिया है। हाँ, व्हीली मार सकते हैं यहाँ पर भी। अरे भाई, गाड़ी ये बंद हो गया। अच्छा, कोई नहीं, ये साइड वालों में व्हीली मार सकता है, ऊपर से इधर रोड बंद है तो इधर कोई टेंशन नहीं होगा। और उस साइड गाड़ी चल ही रहा है तो मामू का भी कोई टेंशन नहीं रहेगा। कॉप्स भी बोलेगा अच्छा ठीक है, लोग बंद रास्ता में मार रहा, ई साइड आ जाओ, ई साइड रास्ता साफ भी और खाली भी। A few moments later. और गाइस, यहाँ इसका कटी का गाड़ी भी चेक करिए, अभी थोड़ा सा गाड़ी का हालत थोड़ा ख़राब है, बहुत बार क्रैश हुआ है बीच में, जब मेरा कैमरा जब ख़राब था उस बीच में बहुत क्रैश हुआ है।
साल के एंडिंग में भी क्रैश हुआ, साल स्टार्टिंग होने टाइम भी क्रैश हुआ, साल स्टार्टिंग होके 2-3 बार क्रैश हो गया, पूरा ही गाड़ी का पुर्जा हटा दिए हम लोग, बस ये बचा हुआ हेडलाइट इसका, क्योंकि लाइट थोड़ा रात में काम आएगा ना। देखते हैं 26 जनवरी तक, बोल रहा है लौंडा, बोल रहा है कि इसको भी हटा देंगे और थोड़ा हैंडल चेंज करवा लेंगे और फुल ब्लैक करके ऐसे ही फुल नेकेड रखेगा उस दिन के लिए, वीली मारे फुल ब्लैक करवा के। चलिए 26 जनवरी भी जल्दी आने वाला है, चलिए गाइस तब तक आप लोग वीली एंजॉय कीजिए। तो गाइस अभी यहाँ हम लोग घर की ओर निकल रहे हैं और अंशु कुछ बोल रहा है कुछ देर प्रैक्टिस करेगा, कितना प्रैक्टिस करेगा रे शर्माता, कैमरा ऑन होते ही शर्मा जाता लौंडा। ठीक है तब, हाँ ठीक है तब, गुड नाइट। रुको रुको, एबीएस मेरा ऑफ गाइस, सूरज भी ढल रहा है गाइस। तो गाइस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, होप करता हूँ आप सभी लोग को अच्छा लगा होगा, मिलते हैं फिर किसी दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।